एक पिता का प्रेम अपनी बेटी के लिए। एक गर्भवती स्त्री ने अपने पति से कहा, आप क्या आशा करते हैं, लड़का होगा या लड़की? पति, अगर हमारा लड़का होगा होता है तो मैं उसे गणित पढ़ाऊंगा, हम खेलने जाएंगे, मैं उसे मछली पकड़ना सिखाऊंगा। पत्नी, अगर लड़की हुई तो? पति, अगर हमारी लड़की होगी तो मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि उन सभी में से एक होगी जो सब कुछ मुझे दोबारा सिखाएगी, कैसे पहनना, कैसे खाना, क्या कहना या नहीं कहना। एक तरह से वो मेरी दूसरी माँ होगी, वो मुझे अपना हीरो समझेगी, चाहे मैं उसके लिए कुछ खास करूं या ना करूं। जब भी मैं उसे किसी चीज़ के लिए मना करूंगा, तो मुझे समझेगी वो हमेशा अपने पति की मुझसे तुलना करेगी। यह मायने नहीं रखता कि वह कितने भी साल की हो, पर वो हमेशा चाहेगी कि मैं उसे अपनी बेबी डॉल की तरह प्यार करूं। वो मेरे लिए संसार से लड़ेगी। जब कोई मुझे दुख देगा, वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। पत्नी, कहने का मतलब है कि आपकी बेटी जो सब कर, वो आपका बेटा नहीं कर सकता। पति, नहीं नहीं, क्या पता मेरा बेटा भी ऐसा ही करेगा पर सीखेगा। परंतु बेटी इन गुणों के साथ पैदा होती है। किसी बेटी का पिता होना हर व्यक्ति के लिए गर्व की बात है। पत्नी, पर वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगी। पति, हाँ, पर हम हमेशा उसके दिल में रहेंगे, इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। बेटियां पड़ी होती है जो सदा बिना शर्त के प्यार और देखभाल के लिए जन्मती है। बेटियां सब के मुकद्दर में कहाँ होती है, जो घर भगवान को हो पसंद, वहाँ बेटी पैदा होती है। बेटियाँ, प्लीज़ ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।